अगर आपकी पाइसीज सन साइन है, अगर मीन राशि है आपकी सन साइन, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सन साइन क्या होती है, सन साइन वो है कि जहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से जो राशि आपको मिलती है वो राशि आपकी सन साइन होती है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर ये सारी डेट्स के बीच में है तो आपकी सन साइन है पाइसीज, मतलब कि मीन राशि, और ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं भविष्य कथन के साथ साथ गाइडेंस पॉइंट्स भी मैं देने वाली हूँ। भविष्य कथन कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर आप कुछ बदल नहीं सकते, मतलब आप बता दिया तो बता दिया, बस वही हो जाएगा। बट गाइडेंस पॉइंट्स वो होता है कि जहाँ पर आप यू नो जितना आप गाइडेंस फॉलो करते हैं उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखो शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि सारा का सारा भविष्य कथन, सारा का सारा गाइडेंस आप अच्छी तरह से समझ पाओ, ठीक है। मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज तक मैंने हज़ारों लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों के लिए। जस्ट शेयरिंग दिस विद यू ताकि आपको पता लग पाए बिल्कुल सही इंसान के पास आप रीडिंग पा रहे हैं और आप इस रीडिंग के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी हैव दिस कार्ड, ये वाला कार्ड बताया जा रहा है लोगों की बातें सुनना ज़रूरी है। लोगों की मतलब हर किसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे की बात नहीं, ठीक है। ये वाला कार्ड बताता है आपकी लाइफ में जो एरिया में कुछ काम नहीं कर रहा है, वट एवर इज़ नॉट वर्किंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब ये क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है काफ़ी समय से यू नो आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते थे, आप अपना लेट से आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते थे काफ़ी सालों से, आपको पता है कि आपका एक्स्ट्रा वेट है और आपको रिड्यूस करना है, बट आप शायद यू नो मतलब वो गोल जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये वाला कार्ड कहता है इस महीने आपको कोशिश करना है कि आप उसके जो भी आपको करना आवश्यक है, मतलब आपके एक्सपर्ट ने, आपके फिटनेस एक्सपर्ट ने आपको बोला है, वो एडवाइस आप फॉलो करना शुरू करें। तो इस महीने से आप यू नो हेल्दी खाना शुरू करें, हेल्दी एक्सरसाइजेस शुरू करें, कि जिससे आपके वेट में कुछ सच में कुछ चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। दैट बीइंग सेड द नेक्स्ट कार्ड इज दिस, ये वाला कार्ड बताता है कि इमोशनल डिटैचमेंट करने की इच्छा हो सकती है इस महीने। ये क्या हो गया, आपको मन हो सकता है कि यार बोरिंग है, दूसरों के साथ बात नहीं करना है, यू जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विथ अदर्स, आपको बस अकेले में टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ, ये इच्छा आपको हो सकती है इस महीने के कुछ समय के लिए। तो ये कार्ड बताता है कोशिश करो, जब भी ये इच्छा होती है यस लेट गो करो, दूसरों को बता दो कि भाई थोड़ा सा दूर रहो, अभी हमें थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए। सो डू दैट विथ योर सेल्फ, अपने लिए मी टाइम देना भी अच्छी बात है, अपने आप को समय देना भी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, ये वाला कार्ड बताता है कि ये महीने में यस इट इज़ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ जाएगा। हो सकता है कि आपको फाइनेंसेस के प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए, और वहाँ पर आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाए। हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाए, कोशिश करो कि मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो आप मदद ले लेते हैं, ठीक है। आप यू नो शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत, मतलब शर्मिंदगी मत महसूस कीजिए कि अरे यार हेल्प ले ली तो क्या होगा, ठीक है, वो मत कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड यस, नाउ दीज टू कार्ड्स, ये जो दो कार्ड्स है ये गाइडेंस पॉइंट्स के कार्ड्स है, ठीक है। सो दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग यू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फूड खाना है इस महीने। आप कहेंगे ऑर्गेनिक तो समझ गए, लेकिन नेचुरल क्या होता है? नेचुरल मतलब वो खाना कि जो पैकेट में से नहीं निकलता है, राइट। ऐसा बहुत सारा खाना यू नो आजकल होता है कि जो सीधा पैकेट में से निकालो और खा लो, राइट, दो मिनट में हो गया। सो यस सी कभी कभी होता है कि आप मतलब कुछ नहीं है तो आप वो खा लेते हैं, बट कोशिश करो इस महीने आप फोकस करते हैं जितना हो उतना आप नेचुरल फूड्स के ऊपर फोकस करो। नेचुरल फूड्स वो होंगे जो घर में प्रिपेयर किया गया फूड है, घर में बनाया हुआ खाना है, वो खाने के ऊपर आप फोकस करो जिससे आपकी हेल्थ सुधरेगी, राइट, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ के लिए कुछ आया है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी चीज़ खाएं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हमारे पास है मैस्कुलिन के एनर्जी को बैलेंस करने की बात हो रही है, एक्सक्यूज मी। तो मैस्कुलिन एनर्जी आप कहेंगे लेकिन आपके अंदर तो मैस्कुलिन एनर्जी है नहीं। सी आप चाहे आप स्त्री है कि पुरुष है, हर एक व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। स्त्रियों के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कम होती है, पुरुषों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, भर भर के होती है, ठीक है। अब मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करना क्या है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सबके अंदर ये दोनों होती है, फीमेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, मेल्स के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जेटिकली ये दोनों एनर्जीज एक बराबर मात्रा में होती है, ठीक है। सो मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को चैलेंज करना है, कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने लिमिट्स को आपको बढ़ाना है। जैसे आप यू नो हर रोज़ चलने के लिए जा रहे थे, आप हर रोज़ 2 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि आप 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चले इस महीने हर
रोज, ठीक है, कि उससे आपकी एबिलिटी मतलब आपकी जो नॉर्मल एबिलिटी है उसको चैलेंज मिलेगा। तो यस, वो आपको करना है। अब ये चैलेंज किसी भी लेवल का हो सकता है, इट कुड बी अ चैलेंज फॉर अचीविंग मनी, पैसे कमाने का चैलेंज हो सकता है, हेल्थ को सुधारने का चैलेंज, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का चैलेंज हो सकता है। लाइक से पार्टनर के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते, पार्टनर के साथ 5 मिनट बात करने का भी टाइम नहीं है, तो आप इस महीने अपने आप को चैलेंज करो, आप अपने अपना लिमिट बनाओ कि पार्टनर के साथ हर रोज 30 मिनट्स आप शांति से बैठकर बात करोगे या फोन कॉल पे आप बात करोगे उनसे, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड यस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीखकर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले, यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है टैरो प्रोफेशनल कोर्स के, जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके, ये क्लास आप करने के बाद दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने, यस टैरो कार्ड्स सीखकर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है, मेरी वेबसाइट के लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए। एंड यस, ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो, अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है।